तू झूठी मैं मक्कार। दोस्तों ये मूवी आज की यंग जनरेशन को नज़र में रखते हुए बनाई गई है। क्या कुछ खास है मूवी के अंदर वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और मैं इस मूवी को पूरी देख चुका हूँ। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी को देखने के दौरान वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्मी राइट में। दोस्तों ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें आपको रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, बोनी कपूर और भी कई ऐसे तमाम कलाकार मिलेंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर एक्टिंग की है। दोस्तों इस मूवी के अंदर मुझे रणवीर कपूर श्रद्धा की केमिस्ट्री अच्छी लगी। उन्होंने काफी हद तक अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करी है, लेकिन हाँ ये हमें उस हद तक एंटरटेन नहीं कर पाए जितना मैंने उम्मीद की थी इस फिल्म से। वेल दोस्तों कुछ भी है, रणवीर कपूर और श्रद्धा की एक्टिंग देख के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और वहीं दूसरी तरफ अनुभव सिंह भी मिलेंगे जिन्होंने रणवीर कपूर के दोस्त का रोल निभाया एज वासी। उनकी भी एक्टिंग ठीक ठाक है, लेकिन हाँ दोस्तों आप उनकी एक्टिंग से कनेक्ट नहीं हो पाओगे इस मूवी के अंदर। आप ये सोचोगे कि बीच बीच में जो वासी का रोल डाला गया है आपको उनकी एक्टिंग से बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं सीधा मूवी की कहानी की। दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बंदे से जो कि लोगों का ब्रेकअप करवाने में काफी मशहूर होता है, और वो इसे एज पार्ट टाइम बिजनेस करता है, जिसका नाम है रणवीर कपूर। दोस्तों इस मूवी के अंदर रणवीर कपूर के मल्टीपल फैमिली बिजनेस होते हैं जिसे वो चला रहा होता है, और साइड में ये काम भी कर रहा होता है लोगों का ब्रेकअप करवाने का। और दोस्तों खासियत रणवीर कपूर की ये है कि भाई अगर उन्होंने किसी का ब्रेकअप करवाने का ठान लिया तो वो करवा के ही छोड़ते हैं। अगर उन्होंने किसी से पूरी पेमेंट ले ली यानी कि अपनी फीस पूरी ले ली तो वो उसका ब्रेकअप करवा के ही छोड़ते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि उनको एक दिन खुद का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ब्रेकअप करवाने के लिए। और मज़े की बात तो ये होती है कि भाई ये दोनों एक दूसरे की आवाज़ ही नहीं पहचान पाते। मतलब रणवीर कपूर श्रद्धा की आवाज़ नहीं पहचान पाता और श्रद्धा कपूर रणवीर की आवाज़ नहीं पहचान पाती। वाह भाई वाह, ये सीन तो देखने लायक है। खैर दोस्तों ये मूवी लगभग 2 घंटे 40 मिनट की है जिसमें आपको फर्स्ट आवर से गुजरना होगा। फर्स्ट आवर के बाद ही आपको ज़्यादातर मज़ा आएगा मूवी के अंदर। दरअसल दोस्तों इस मूवी में शुरू में जो एक घंटा है वो आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन जरूर करेगा, लेकिन आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा शुरू के एक घंटे में। जैसे ही मूवी एक घंटा आगे बढ़ती है आपको एंटरटेनमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, आप मूवी से कनेक्ट हो जाओगे उस दौरान। उसके बाद में मूवी को जैसे ही 1.5 घंटा गुजरेगा उसके बाद सारे इमोशनल सीन आने शुरू हो जाएंगे मूवी के अंदर। यानी कि इस मूवी के अंदर आपको बाद में इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। इस मूवी के अंदर इमोशनल सीन बहुत ज़्यादा डाले गए हैं, खासकर 1.5 घंटे के बाद में। लेकिन दोस्तों कुछ भी है, इमोशनली कनेक्ट आप थोड़े बहुत हो जाओगे। और दोस्तों इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो एक बार नहीं कई बार मिलेगा आपको, यानी कि आप कई बार शॉक होगे मूवी के अंदर। और दोस्तों इस मूवी का जो एंडिंग पॉइंट है वो मुझे थोड़ा सा 90s के टाइम का लगा। यानी कि इंसान आपसे दूर जा रहा है और आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं कि जा बेटा जा, उसे रोक ले, हम भी तेरे साथ हैं। वाह भाई, ये सीन देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो दोस्तों इस मूवी का जो लास्ट के 15-20 मिनट्स है उसमें आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा, यानी कि हल्की फुल्की आपको कॉमेडी मिलेगी, जो भी मिलेगी आपको मज़ा आएगा उस सीन में। बस दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ये एक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मूवी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपका टाइम पास हो जाएगा, आप इस मूवी को एक बार देख सकते हो। बस मूवी के अंदर आपको 1 घंटे के बाद थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलना शुरू होगा, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें एक कैमियो रोल भी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस वक्त जब कैमियो सीन आएगा। और बाकी 1.5 घंटे के बाद में जितने भी आपको सीन दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे इमोशनल सीन होंगे, यानी कि आपको उन इमोशनल सीन से होकर गुजरना होगा आगे तक। और दोस्तों मूवी का स्क्रीन प्ले है वो ठीक ठाक है, क्योंकि बड़े बड़े सेट पे शूट किया गया है और बहुत ही कलरफुल मूवी है। हाँ लेकिन मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी छोटी हो सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को खींच रखा है। इस मूवी का म्यूजिक मुझे पसंद आया, म्यूजिक काफ़ी कमाल का है, आपको थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा म्यूजिक सुन के। और एंड में मैं यही कहूँगा दोस्तों, ये मूवी फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बीच बीच में बहुत सारे एडल्ट सीन भी मिलेंगे और किसिंग सीन भी मिलेंगे। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 5 out of 10। तो आप जब ये मूवी देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।